आंटी आप फौरन बख्तियार को लेकर यहाँ से निकल जाएं, यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। वही तो मैं परेशान हो रही हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा। कहाँ है वो? I've been looking for him everywhere. Please help me find him. वो मुझे कहाँ मिलेगा? क्या? आपको उसे यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए था। सब कुछ जानते बूझते आपने उसे आग में धकेल दिया। देखिए अब कैसे पागल हो रहा है वो जहानरा के पीछे। वो तो उसे मरवा कर ही दम लेगी। अल्लाह ना करे रोशनी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। अब तो वो मना भी करेगा तो उसे घसीट के ले जाऊंगी। बस उसे ढूंढ के ले आओ प्लीज प्लीज। मैं कहाँ ढूंढूंगा उसे? रोशनी तुम यहाँ खड़ी क्यों? तुम यहीं कहीं होगा, प्लीज उसे ढूंढ के लाओ। मैंने कहा ना मुझे किसी से नहीं मिलना। शामीर आई एम सॉरी, मैं तो बख्तियार सॉरी, मैं सिर्फ बहुत परेशान हूं, मुझे लगा कोई और है। कोई बात नहीं, ये सब क्या हो रहा है बख्तियार? तुम्हें लगता है मैं ये सब कर सकता हूं? अपनी मोहब्बत, अपनी कैथरीन की कुर्बानी देकर पीरापुर के लिए वापस आए, ये कम था जो मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया? कि मुझे तुम पे पूरा यकीन है शामिर, ये बहुत बड़ी साजिश है। और साजिश कर भी कौन रहा है? मेरा अपना भाई, और किस चीज के लिए? इस गद्दी के लिए? तो ये गद्दियां इंसान को क्या बना देती हैं? कितना अकेला छोड़ देती हैं? ठीक कहते थे बाबा, मत करो उस पे यकीन, मत करो उस पे इतना एतबार। बेवकूफ था। तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, और अच्छा इंसान होना कोई बेवकूफी या गुनाह नहीं है जिसकी सजा तुम्हें दी जाए। सजा तो उस शाहजेब को मिलनी चाहिए जो अपनी सेल्फिशनेस की वजह से अपने पूरी खानदान की इज्जत दांव पे लगा रहा है। शाहजेब ने मुझसे मेरी इज्जत नहीं, उसने मेरा इंसानियत पे एतबार छीना है। तुम पीरापुर की उम्मीद हो शामिर, और तुम्हें ये जंग और मजबूती से लड़नी पड़ेगी। अब तुम्हें हौसला रखना पड़ेगा। सुलेखा मेरी बात सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? तुम दुल्हन हो। दुल्हन? कैसी दुल्हन? जैसे डोली में बिठाने की बजाय सूली पर टांगने की तैयारी की जा रही है, जानवरों की तरह हांकने की तैयारी की जा रही है। हर चार रास्ते से मुझे बादशाह बेगम से बात करनी है। बात तो सुनो, मेरे साथ जुल्म क्यों किया गया? क्यों मजाक बना दिया गया मुझे? क्यों धोखा दिया गया मुझे? सुलेखा, शामिर बेकसूर है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा भाई है, मगर मुझे पता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया।